भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां ट्रैफिक का हवाला देकर सड़क के किनारे हाथ गाड़ी लगाने से मना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉकर्स रमजान में सड़क के किनारे लगाने की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर मोहम्मद इरशाद का कहना है कि अगर सड़कों पर धंधा लगा तो हम भी सड़क पर धंधा लगाएंगे। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कल हुए मीटिंग में कहा गया कि रमजान के महीने में सड़क के किनारे कोई भी हाथ गाड़ी नहीं लगा सकता है, मगर वहीं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर मोहम्मद इरशाद ने कहा है कि सड़क के किनारे कोई भी रमजान में हाथ गाड़ी लगाकर धंधा किया तो फिर हम भी मित्तल छोड़कर रोड पर आ जाएंगे। दो साल तक वहां से मार्केट हिली नहीं है, तो वो दो घंटे या एक घंटा की परमिशन किसी को भी ना दी जाए, रोड के ऊपर एक भी ठेले ना लगे, ना फ्रूट का हो, ना भजिए का हो, किसी भी चीज का ना हो। अगर उनको फ्रूट लगाना है तो उसका भी मित्तल ग्राउंड में हमने इंतजाम किए हुए हैं, भजिए का भी इंतजाम किया, हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ है। और हमने प्रशासन को ओनली रमजान मार्केट के लिए 1000 गाले के हमने उनको एप्लीकेशन दिए हैं, जो रमजान में बाहर से लोग आते हैं उसी रोड उसी के अंदर। तो मेरे परसों गोसाई सर ने फ़ोन करके बोले कि 2 एकड़ का उन्होंने प्लॉट सेक्शन किए हैं, तो उसके अंदर जो भी रमजान की मार्केट लगे मित्तल ग्राउंड के अंदर लगे, रोड के ऊपर एक भी स्टॉल ना लगे, ये हमारी मांग है। अगर लगेगी तो मजबूरन हमें फिर अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। प्रशासन इस पे ध्यान दे, हमें फिर वहाँ पे ना जाएं, इसका प्रशासन भरपूर ख्याल रखे, इसलिए हम मजबूरन जाना पड़ता है। इससे पहले भी हमने जब मित्तल में आए थे तो हमने अपना पर्सनली 7.5 लाख रुपये खर्चा किया था, और अभी तक हमारे यूनियन ने कम से कम 7,75,000 अभी तक खर्च हो चुका सर। हमारे को प्रशासन ने 1 रुपये देती नहीं है, हम अपना पर्सनली पैसा खर्च करके वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। सही है, हमारा पर्सनली पैसा नहीं है, जो हमारे आवाम जो धंधा लगाते गरीब वो उनका पैसा है, ये पैसा वो बेकार होता है सर। अगर आप लोग थोड़ा सा ना लापरवाही करते हैं तो पूरा पैसा हमारा ये बेकार हो जाता है। इसके लिए कोई भी नेता आए या कोई भी बड़ा, उसको रोड के ऊपर स्टॉल लगाने की परमिशन ना दी जाए, कोई भी लगाए एसूजेड। इसमें ज़्यादा करके तो नेता ही लोग का आदमी है ना, जो बात है क्लियर, डरने वाली कौन सी बात है, डरने वाली बात नहीं है, जो बात है एकदम लीगल बात है। परमिशन कौन लेके आता है, नेता लेके आता है। टीएमसी का परमिशन नहीं होना चाहिए और आप का परमिशन नहीं होना चाहिए। एक भी स्टॉल लगे या एक भी हाथ गाड़ी लगे आप मित्तल ग्राउंड में उसको भेजो, हम वहाँ पे बैठे उनको जगह देने के लिए। मगर वहीं एक हॉकर्स ने इरशाद की बातों पर सवाल उठाते हुए कहा कि रमजान में हमें रोड पर धंधा लगाने की छूट मिलती थी, मगर इस बार क्यों नहीं। 1300 धंधे लगते हैं, 400 लोगों को जगह दी गई है और बाकी 500 लोग जो रोड पे लावारिस जैसे पड़े सर वो कहाँ जाएगी तो बताया नहीं, और हमें बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर तकरीबन अंदर जाके धंधा लगाइए, 1 किलोमीटर अंदर जाके कौन धंधा लगा सकता है, आप जाके देखिए वहाँ पे मक्खी भी नहीं है। तो मैं इस इरशाद भाई की इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो भी सीनियर आता है, जो भी एसीपी आता है सर, हर साल रमज़ान का एक मुबारक महीना है, 15 दिन की छूट वो अपने मन से देते हैं और लोग लगाते हैं। अब ये अंदर चले गए उसकी वजह से हम बाहर रह गए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इन्होंने बात जो कही वो मुझे नागवारा गुजरी सर, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि टोकन को फिर से डाला जाए और उसको मिक्स करके हमें भी मित्तल ग्राउंड के अंदर बैठने की परमिशन दी जाए, वरना फिर हमें परमिशन दी जाए 15 दिन के लिए बाहर बैठने की, जो आपके प्रशासन की तरफ से सर रिक्वेस्ट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या रमजान के महीने में सड़क के किनारे धंधा लगता है या नहीं, क्या इन हॉकर्स को टीएमसी रमजान में धंधा लगाने के लिए कोई उचित जगह मुहैया कराएगी या नहीं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।